जय जगन्नाथ। कमजोर जो ओडिया लोक जो मैंने अच्छे एम तो जय जगन्नाथ डाकिले टे भल से यात्री मैंने जी जय जगन्नाथ। बाबा विश्वनाथ की जय हो। बैद्यनाथ महाप्रभु की, लिंगराज महाप्रभु की, भगवान विष्णु पद की, भगवान बुद्ध की। आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा भारत सरकार रेल विभाग मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव महाशय, भारत सरकार संस्कृति तथा पर्यटन विभाग मंत्री आदरणीय किशन रेड्डी महाशय, रेलवे बोर्ड चेयरमैन आदरणीय अनिल कुमार लोहाटी महाशय, पर्यटन विभाग सेक्रेटरी आदरणीय अरविंद सिंह महाशय, रेलवे बोर्ड मेंबर आदरणीय श्रीमती वर्मा, रेलवे एपट अंचल जीएम, ये कार्यक्रम रे यहाँ उपस्थित रेलवे की टूरिज्म की सारे वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, आज जो लोग हमें बताया गया 528 तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों में प्रभु के दर्शन के लिए, कहीं बाबा विश्वनाथ का दर्शन होगा, फिर कहीं बाबा बैद्यनाथ का दर्शन होगा, फिर आप आगे जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी से आपकी भेंट मुलाकात होगी, फिर आप भुवनेश्वर लौट के आएंगे आप लिंगराज महाप्रभु का दर्शन पाएंगे, फिर आप गया में विष्णु भगवान का दर्शन होगा, बुद्ध भगवान का दर्शन होगा। हमारे उड़ीसा में कहावत है, कितना भी आप योजना कर लो, जब तक महाप्रभु की अपने बुलावा नहीं आया तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। आप सौभाग्यशाली हो 528 तीर्थ यात्री आज आपको भगवान ने, एक नहीं सारे भगवानों ने इकट्ठा बुलाया, सारे भगवानों ने इकट्ठा आपको बुलाया। इसके लिए आप सबसे पहले देश की जन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसके पहले आशीर्वाद दे दीजिए। उनकी एक बड़े कल्पना के तहत हम सभी लोग मिलके, अश्विनी जी ने अपना जिम्मेवारी निभाई है, टूरिज्म मंत्री जी ने अपने जिम्मेवारी निभाई है, ये सब मिलके आज देश की सामान्य लोग, सामान्य नागरिक कम पैसे में उच्च कोटि की व्यवस्था के साथ, 3 AC की ट्रेन है, ठंड की समय है, ट्रेन से बाहर नहीं आना पड़ेगा, खाना पीना पूरा मैं देख रहा था, 8 दिन की पूरा आज से निकलेंगे, 8 दिन के बाद अब लौटेंगे, वहां रहने की व्यवस्था, वहां लोकल टूरिज्म की भी व्यवस्था और उसके साथ इंश्योरेंस की व्यवस्था आपके लिए किया गया है। मैं IRCTC को धन्यवाद देता हूं। ये तो कहा गया, जैसे अश्विनी जी ने कहा, ये 8th सर्किट है और मैं अश्विनी जी का आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये 8th सर्किट को, 8वां सर्किट को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की श्रृंखला में महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम पे समर्पित किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको महाप्रभु और ऊपर ले जाए, यही हम सभी की इच्छा रहेगा। मित्रों, देश की गौरव इतने हैं, कभी कभी लगता है दिल्ली में अनेकों नेतृत्व रहे, राज्यों में भी अनेक नेतृत्व रहे, लेकिन अपने माँ पिताजी को जगन्नाथ जी, विश्वनाथ जी, बैद्यनाथ जी के पास ले जाना, शायद ये नियति की योजना था, श्रेय आशीर्वाद मोदी जी को मिलना था, इतने समय हमको इंतजार करना पड़ा,
आज वो दिन साकार हो रहे हैं, इसके कारण कितना फायदा होगा। कोरोना के उपरांत लोगों के मन में बड़ा उत्कंठा है, लोग प्रभु के पास जाए, दर्शन करें, देश की विभिन्न इलाका की संस्कृति को जाने, खान पान करें। उड़ीसा में आप जो जाएंगे, मेरा IRCTC वाले निश्चित रूप में महाप्रसाद की व्यवस्था किया होगा, नहीं तो आप समय निकाल के महाप्रसाद निश्चित रूप में थोड़ा किया ही है ना। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, महाप्रसाद लेके आएंगे और उसमें खीरा एक मिठाई है। दिल्ली वाले आप बहुत मीठा की प्रिय हो, थोड़ा हमारे यहाँ उड़ीसा की एक प्रकार से शुगर फ्री मिठाई, शुगर है लेकिन शुगर फ्री मीठा है, आप उसको निश्चित लेके आएंगे, महाप्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। यह कल्पना नहीं किया जा सकता क्या काम आज रेल विभाग ने किया, देश की गौरव को बढ़ाने के लिए, देश की नागरिकों को सुविधा देने के लिए आज ऐसे कामों का आयोजन किया गया है। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, तीर्थाटन नहीं है, इसमें रोजगार की भी कल्पना है। इतने तीर्थयात्री जाएंगे, मैंने रेलवे की विभाग से जितना जानकारी ले रहा था, दिल्ली वाले तो आप शाम को जाके एक होटल में ही इतनी पैसा खर्चा करके आ जाते हो, इतने पैसे में आपको रेलवे विभाग 8 दिन थर्ड AC में घुमा के ले आएगा, अनेक लोगों को रोजगार आएगा। अब जाओगे थोड़ा बहुत सब जगह पे, अभी मोदी जी ने 1 District 1 Product किया है, कम से कम आप 4-5 जिले में जा रहे हो, हर एक जिले की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले आएगा। आप 50 रुपया में एक हैंडीक्राफ्ट खरीदेंगे, लेकिन आप एक परिवार को आप 25 रुपया दे के आ रहे हो, यह आपकी दायित्व बनती है देश की उत्पादित चीजों को भी बढ़ावा देने के लिए। आपको अच्छा लगेगा, जो रूट बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है इसमें। और आप और एक चीज आपको दिखने को मिलेगा, मैं पुरी और कोणार्क लिंगराज 3 मंदिर आपको दिखने को मिलेगा, तीनों मंदिर हजारों साल पहले का। और कोणार्क मंदिर तो ऐसे ही जगह है जहां सूरज जब उगता है, सूर्योदय होता है, पहला किरण कोणार्क मंदिर की गर्भगृह में पहुंचता है, आपको दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और देखो हमारे देश की संस्कृति कैसा है और किसी वैज्ञानिक बैकग्राउंड कैसा है, सूरज उदय तो उड़ीसा के अंदर होती है लेकिन जब अस्त होती है उसी सरल रेखा में आप गूगल मैप में देखिएगा, गुजरात प्रांत की मोढ़ेरा करके एक जगह है, वहीं एक ही सूर्य मंदिर है, वहीं जाकर अस्त होता है। भारत में, भारत में जहां उदय होता है जहां अस्त होता है, शायद मोढ़ेरा की तरफ भी आपकी ट्रेन जा रही है, गर्भी गुजरात की सर्किट में मैंने देखा वहां भी है। मित्रों एक तो एक प्रकार से ये तो एक भागीरथ प्रयास है, जैसे महाराजा भागीरथ ने गंगा जी को लेके आए, गंगा जी को गंगा सागर तक लेके आए गंगोत्री से, आज भारत को 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक भागीरथ प्रयास की आयोजन कर रहे हैं। जब आप जाओगे काशी विश्वनाथ के नया रूप देखोगे, इतने कम समय में इतने भव्यता के साथ, 300 साल के बाद रानी अहल्या के बाद उस आस्था के केंद्रों का किसी ने जीर्णोद्धार किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज इस सबको दिखने का आपको सौभाग्य मिलेगा। बंधुगण, जो मैंने में ओडिया भाषा भाषी बंधु माने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अच्छा आम दायित्व आज अधिक ही जा सीधा सीधा यार बहुआयामी प्रभाव ओडिशार समाज जीवन उपरे पड़ा जाम राज्य को आम तो अतिथि देव भव अतिथि कि आम घर को आसे आम बहुत खुशी हूँ बहुत परिचय नथिला परे भी आम दांड को किए आसिले माँ पानी तो पिए दिए खाइबा पीबा कथा तो व्यस्त है कि बुझे आज आम राज्य को
528 जन अतिथि जाउचंती आमर दायित्व से अतिथि मानकर योग्य सत्कार हो से पुरी रे उल्लेबे भुवनेश्वर आसीबे कोणार्क आसीबे पुणी पुरी रु ट्रेन बसिकी ओडिसा रु बाहर कुचिबे आमे एबेठु सोशल मीडिया रे आको ओडिसा को जणेमा दरकार जे अतिथि राम जगन्नाथ यात्रा नेके आसुचंती अतिथि को स्वागत करा जाउ आमे तांकर सम्मान बढ़ू तार व्यवस्था करिबा दरकार ए दायित्व आम समस्तंकर आ राष्ट्रीय राजधानी रहुतबा बंधु मानकर दायित्व एटी मु देखु जे रब भाई बसछनि अनेक जगन्नाथ मंदिर रो आयोजक बंधु माने भी एटी अछन्ति आपण माने समस्ते जगन्नाथ मंदिर रे ये श्री जगन्नाथ यात्रा जो IRCTC तरफ रु आयोजन करा जायछि मते जहा अश्विनी जी कहुतले जदि भक्त हेबे ताहले यार फ्रिक्वेन्सी बढ़िबो आमे तो आग डिमांड करथले ओडिसा को ट्रेन चालू एबे तो ट्रेन चालला विशिष्ट लोक मानकु नेकि विशिष्ट लोक मानकु नब विशिष्ट लोक मानकु आमे आनिमो तनो आमर दायित्व यार डिमांड रहु कारण एठु जत्ते लोक जिबे रघुराजपुर रे पटचित्र किणिमे आम शंख जिनस किणिमे आमर पत्थर मूर्ति दे किणिमे जदि जणे तीर्थयात्री महाप्रसाद धरी आसिबे आगो महाप्रसाद रे आनिमा केमिति चिंता थिला तो ट्रेन रे बसिबे गाड़ी रखिदेबे पैकेट फैकेट ठीक से हिजिब महाप्रसाद धरिकी एठिकी पळे आसिबे केते व्यवस्था आमर हबो या द्वारा आपण अनुमान करंतु आमर ओडिया लोक मानकर दायित्व एठी मु एबे यात्री माने बुझुतिली पुणे रु जणे माँ आसिनी गाड़ी रे बसिनी पुणे रु पुणे कुआडे दिल्ली कुआडे राजस्थान रु बहुत लोग आशीर्वाद दौले अश्विनी जी को उदयपुर रु आम पुरी गले तो पंडा भाई मैंने देखेदेवे देख तुम चारि पुरुष हेटिक आसते देखे देखे से आहरी लोकप्रियता बढ़ तेणु आधुनिक समय या आहरी बहुगुणित कर मर्यादित कर दायित्व आम समस्त अच्छी IRCTC रेल विभाग प्रधानमंत्री या कल्पना कले आम ओडिशा तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊे महाप्रभु जगन्नाथ आहरी यशस्वी करो आम देशर ना आहरी ऊपर को नियंतु किंतु या सफल करार दायित्व आमर ये दायित्व आपे आज दिन में रेल जल्दी जीव समस्त मन में उत्कंठा थी आम समस्ते जय जगन्नाथ ध्वनि देकी हरिबोल हुळहुळी देकी ये ट्रेन को यूँ विदा करवा से भाया भाव ओडिशा रे स्वागत भी करार व्यवस्था करवा कम से कम मसकु डेढ़ मस को दुई मस को गोटे ट्रेन IRCTC पठेबापाई दाबी करें जे गलानी कण पाई लोक हेले जिबे लोक पठेबा दायित्व आमर आम एत कथा कहू ठीक कथा कहले अश्विनी जी गोटे आम समस्ते जो मैंने के यूरोप आड़े बुली जाइए आप देखिए जे गोटे से गोटे मनिकान पीच कर गोटे गोटे छोटिया पिलाटे छोट पिलाटे मैंने चार तीन वर्ष दुई तीन वर्ष पिलाटे सुसु करदे सेटा कौन बोले पचार जन को ना गोटे देश बेल्जियम मुख्य सहर मुख्य जगार अच्छे ना से कौन ना नेपोलियन यपटे जाऊला नेपोलियन को से बेखातिर करके सुचु करदेला सहीटा गोटे विश्व स्तर पर्यटन स्थल हो गला ठीक कहला सुनुजी के छोट छोट कथ ब्रिटिश मानने यूरोप कथा कही जान लें इतिहास तैयारी हुए आज आमर यहीपाई ओडिया जाति तरफ आउ थे कृतज्ञता दूची प्रधानमंत्री को अश्विनी जी को किशन रेड्डी जी को रेल विभाग को आप जानते टूरिज्म विभाग प्रथम थर कर नवकलेवर पर 50 कोटी टंका ट्रेजेरी को देला आगर के दिल्ली सरकार करनी नरेन्द्र मोदी करके देखते आम आम समय आसीजे कथा को पहुँचवा के कथा महिमा अच्छे आमे जदि गोटे कथा कहिबा जे सबु जागा को ए सबु मंदिर जिबे भगवान माने बसिथिबे भक्त जीव आम भगवान कौन गेट पाखरे ठिया हेछिनि गेट पाखरे पतित पावन दर्शन देबा पई प्रतिदिन मंदिर बाहर लोक दर्शन करिवे वर्षकु थरे बाहर को आसिबे
लोगों को दर्शन देवा आसवे ये कहानी को देश को बते दिया जाए पारे ये बहुत बड़ कथा हम आज आम समय समस्ते सफल करने परिश्रम करवा। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी।